रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। क्रिसमस और नए साल पर लोग रात 12:15 बजे से 1:15 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे। तो बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला निकल कर आया है। ये फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक समय सीमा जो है वो निश्चित कर दी गई है और उस समय सीमा के मुताबिक पटाखे 8 से 10 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे। क्रिसमस और नए साल पर भी रात 12:15 बजे से 1:15 बजे तक का समय जो है वो डिसाइड किया गया, यानी कि इस बीच ही पटाखे जो है फोड़े जा सकते हैं। इस वक्त की ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पर फैसला आ जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटाखों पर पूरी तरीके से बैन से इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें, याचिका दाखिल की गई थी और उसके मुताबिक ये कहा गया था कि पटाखों से प्रदूषण जो है वो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि शादियों का समय भी नजदीक आ रहा है और त्योहारों के पटाखों से प्रदूषण जो है वो ज्यादा हो रहा है क्योंकि शादियों का समय भी नजदीक आ रहा है और त्योहारों के सीजन में भी लोग पटाखों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब कोर्ट की तरफ से फैसला सामने निकल के आया है। समय सीमा यहां पर बांध दी गई है, कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री को मंजूरी यहां पर दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखा फोड़ने का समय जो है उसको तय कर दिया, यानी कि जो पटाखा विक्रेता है उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि पूरी तरीके से बैन की मांग यहां पर की गई थी पटाखों को लेकर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक समय सीमा जो है वो बांध दी गई है, यानी कि उस समय सीमा के अंदर ही लोग पटाखों का इस्तेमाल कर पाएंगे, पटाखे फोड़ पाएंगे। आपको बता दें, रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। और क्रिसमस और नए साल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर समय अलग रखा गया है, 12:15 बजे से 1:15 बजे तक का समय यहाँ पर रखा गया है, जिसके तहत लोग पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बता दें, याचिका के तहत ये कहा गया था कि पॉल्यूशन जो है वो ज्यादा पटाखों से फैलता है और दिवाली नजदीक है, ऐसे में पटाखों का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है, लोग ज्यादा से ज्यादा पटाखों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि पॉल्यूशन और बढ़ेगा। हालांकि दूसरी तरफ जो पैरवी कर रहे थे जो विक्रेता है, उनका ये कहना है कि सब पॉल्यूशन जो है वो सिर्फ पटाखों की वजह से नहीं होता है, इसमें कुछ चीजें तय की जानी चाहिए। और फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कुल मिलाकर जो पटाखा विक्रेता है उनके लिए काफी राहत भरा होगा, क्योंकि समय सीमा निश्चित की गई है लेकिन पटाखों की बिक्री पर रोक यहां पर नहीं लगाई गई। हालांकि मांग ये जरूर की गई थी कि पटाखों की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक जो है वो लगा दी जाए। अच्छा, सुन रहे हो कि नहीं? मैंने आप लोग बात करोगे तो कैसे? तो मुझे डिस्टर्बेंस होता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक ऑर्डर दिया जिसमें फायर क्रैकर यानी पटाखों पे बैन लगाया है। 24 घंटे में से 22 घंटे बैन रहेगा। पटाखे सिर्फ 8 बजे शाम से 10 बजे रात तक ही 2 घंटे के लिए चलाए जा सकते हैं। पहले ये जो टाइम था, सिर्फ 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चल सकते थे, लेकिन अब ये टाइम घटा के 2 घंटे कर दिया है, 8 और 10 के बीच में। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सफलता की बात है, लोगों के लिए भी। और दूसरी चीज़ ये कही है कि जो जितने बम बनते हैं, जो पटाखे बनते हैं, उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है, जैसे बेरियम, जैसे सल्फर, एल्युमिनियम, पोटेशियम, तो इसकी मात्रा उतनी रहेगी जितनी की पैसों, एक ऑर्गेनाइजेशन है पैसों, उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है यानी वो प्रिस्क्राइब करती है, उतनी मात्रा में वो गन पाउडर वगैरह डलेगा। उससे ज़्यादा डलेगा तो पुलिस एक्शन ले सकती है। और पुलिस के लिए ये कहा है कि जो SHO है वो SHO पूरा का पूरा इसको कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। अगर ये रेगुलेशन में कोई भी कमी आई टाइम में, या बम और पटाखों के जो मटेरियल है उसमें अगर कोई कमी आई, तो SHO पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस एरिया का। Sir, is there also a restriction on where exactly the crackers can be burst? Is there some sort of designated areas that have been decided by the court? नहीं, कोर्ट ने आज जजमेंट में कहा है कि पटाखे तो खैर सब जगह जल सकते हैं, लेकिन सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ये ऐसा है कि वो ऐसी ऐसी जगहें ढूंढे
जहां हो सकता है पॉसिबल, उन्होंने लिखा वेर एवर पॉसिबल ऐसी जगहें ढूंढे कि कम्युनिटी के सारे मेंबर्स इकट्ठा हो जाए 8 और 10 के बीच में और वहीं पटाखे चलाएं। लेकिन इसमें कोई मैंडेट नहीं दिया है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही है। कोशिश करिए, अगर कम्युनिटी फायर क्रैकर हो जाए तो उससे बढ़िया चीज़ और नहीं हो सकती है। दूसरा ये कहा है कि जो रेगुलेशन है, ये जो पोल्यूशन होगा, नॉइज का भी होगा और धुएं का, स्मोक का भी होगा, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पूरे इंडिया में जितने भी 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, उसके जो स्टेट बोर्ड्स हैं, वो सब 7 दिन पहले से इसकी रेगुलेशन शुरू करेंगे। वो इसको मेजर करना शुरू करेंगे कि हवा में कितना पार्टिकुलेट मैटर है, PM 2.5 कितना है, PM 10 कितना है, तो इससे मालूम पड़ेगा कि दिवाली से पहले कितना था प्रदूषण हवा में और दिवाली के 7 दिन बाद तक उसका क्या असर रहा पटाखे छोड़ने के बाद। तो एक कंप्लीट पिक्चर आ जाएगी पहली बार। पिछली बार ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे तो सभी पूरे इंडिया में ये सब फॉलो नहीं हुआ था, लेकिन इस बार क्योंकि आदेश आ गया है तो सारे स्टेट बोर्ड्स और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये मेजर करेंगे एयर पोल्यूशन कितना है 7 दिन पहले और 7 दिन बाद दिवाली पे। थैंक यू। कोर्ट की तरफ से फैसला दे दिया गया है, यहाँ पर समय जो है निश्चित कर दिया गया है और एक तय मात्रा में ही चीजें यहाँ पर पटाखों में होंगी, उससे ज्यादा अगर यहाँ पर निकलता है तो ऐसे में स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। आपको बता दें पटाखों की बिक्री को मंजूरी यहां पर दी गई है, हालांकि बैन की मांग यहां पर की गई थी कि पटाखों से पॉल्यूशन ज्यादा होता है और अब समय जिस तरीके से त्योहारी नजदीक है और शादियों का सीजन भी आ रहा है तो ऐसे में पॉल्यूशन और ज्यादा पटाखों से यहां पर बढ़ेगा। लेकिन अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि पटाखे फोड़े जरूर जा सकते हैं लेकिन एक तय समय के मुताबिक ये पटाखे फोड़े जाएंगे। दिवाली में तकरीबन 8 से 10 बजे का समय जो है वो निश्चित यहां पर रहने वाला है जिसके तहत पटाखे जो है वो जलाए जा सकते हैं। वहीं न्यू ईयर और क्रिसमस की अगर बात कर ली जाए तो 12:15 बजे से 1:15 बजे तक का तकरीबन ये समय जो है निश्चित किया गया है जिसके तहत पटाखे जो है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक राहत भरी वाली खबर विक्रेताओं के लिए, जो पटाखों के उत्पादक हैं, विक्रेता हैं, उनके लिए कही जा सकती है क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया था कि पॉल्यूशन जो है वो पूरी तरीके से सिर्फ पटाखों से ही नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं एक राहत जो है उन विक्रेताओं को यहां पर दी है जो कि पटाखा कारोबारी है।